हाय गाइज, मैं उमाना सिंह। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब तक कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको पहले मिले। हम हर तरह की वीडियो आपको देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हर तरह की जानकारी लीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको रिलीफ टैबलेट जो है लेबोरेट कंपनी की बनी हुई हिमाचल प्रदेश की, ये बहुत ही गुणकारी दवा है, रामबाण दवा है। दोस्तों, कई रोगों में इसका काम आता है, यूज होता है। आज इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ और पूरी वीडियो आप देखिए और उसके बाद हमें कमेंट कीजिए कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, था एक लाइक भी कर दीजिए साथ में। तो दोस्तों, ये दिख रहा है आपके सामने, दिख रहा है टैबलेट आपका है रिलीफ, RELIEF, इसका नाम है लेविडिक रिलीफ, LABDIC। ये रिलीफ कई तरह के आते हैं कि कई फार्मूले हैं दोस्तों। तो ये लेविडिक रिलीफ जो है लेबोरेट कंपनी का बना हुआ है और इसका जो प्राइस है आपका कितना है, 30 रुपीज़ दिया है। 10 टैबलेट का दाम 30 रुपया है, मतलब 3 रुपये का एक टैबलेट पड़ेगा आपको। लेकिन आपके दुकान पर जो है मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो आपको 10 रुपये में एक स्ट्राइप पत्ते जो है आपका मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों, आइए इसके हम कंपोजिशन देखते हैं क्या है इसमें। आपका देखिए डाला गया है ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेंट डाइक्लोफेनक पोटेशियम BP 50 mg। इसमें दोस्तों डाइक्लोफेनक पोटेशियम जो है 50 mg डाला गया है और ये दर्द खींचने का बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसके बाद इसमें डाला गया है पैरास्टामॉल IPA 325 mg डाला गया है दोस्तों। और पैरास्टामॉल जो है आपका बुखार और दर्द दोनों को कम करता है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। उसके बाद इसमें और डाला गया है कि आपका सिट्रिजाइन हाइड्रोक्लोराइड, तो सिट्रिजाइन हाइड्रोक्लोराइड आपका 5 mg है। ये जो है एंटी एलर्जिक दवा है, ये जैसे जुकाम हुआ, खांसी और तमाम तरह के जो स्किन डिसीज है इन सब में काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। इसके बाद इसमें और डाला गया क्या, मैग्नीशियम ट्रिसलिकेट, ये कितना 100 mg डाला गया है। और ये मैग्नीशियम ट्रिसलिकेट जो है दोस्तों, आपको अगर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत रामबाण काम करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दवा बहुत ही गुणकारी दवा है जो रिलीफ है आपके सामने। इसका प्रयोग आप जो है कमर दर्द हुआ, दांत दर्द हुआ और सर दर्द हुआ, हेड एक हुआ और उसके बाद अतकपारी माइग्रेन हो गई और कमर में दर्द और बॉडी में किसी भी जगह जो दर्द है वहाँ पर इसका आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा दवा है, हम तो यही कहेंगे इसका आप लोग यूज कीजिए। और यदि आइए इसको कलर हम आपको दिखा देते हैं किस तरह का है, इधर देखिए। तो दोस्तों, इसका जो कलर है आपका इस तरह से वाइट में और कुछ येलो है कलर। इसका खाने में टेस्ट भी ठीक ही है, ज़्यादा तीखापन भी नहीं है, मीडियम में है और आप कोई भी इसको यूज कर सकता है। इस दवा का कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं होगा दोस्तों आपके बॉडी पर और बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तों। आइए इसकी और जानकारी मैं आपको आगे दे रहा हूँ, वीडियो को देखते रहिए हमारे। तो आइए ये लेविडिक रिलीफ जो है उसके दूसरे जो आपका प्रूफ है उसको भी बता देते हैं। तो लेविडिक रिलीफ टेबलेट लेबोरेट फार्मास्यूटिकल इंडिया का बना हुआ है। कंपोजिशन फॉर लेविडिक रिलीफ टेबलेट डाइक्लोफेनक सोडियम 50 mg, पैरासीटामोल 500 mg, एस्टामिनोफेन ये भी 500 mg है, प्लस क्लोरफेनामाइड मैलेट ये आपका 4 mg है दोस्तों इसमें। और कुछ में आपका क्लोरफेनामाइड मैलेट के साथ साथ मैग्नीशियम ट्रिसलिकेट भी रहता है, वो गैस का दूर करता है इसमें, वो नहीं है। और इसकी जो प्राइस है आपके 18 रुपये है 10 टैबलेट के इस टाइप का। अब प्राइमरी यूजेज आप लेविडिक रिलीफ टैबलेट कॉमन कोल्ड सिम्टम्स, तो आपको दोस्तों अगर कॉमन कोल्ड है, जुकाम हो गया है, खांसी है, तो इसमें इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगा। बॉडी में भी दर्द है वहाँ पर भी दर्द करके काम करेगा, हर जगह काम करता अच्छा है। और पोटेंशियली अनसेफ विथ अल्कोहल, अल्कोहल के साथ इसको मत लीजिएगा अच्छे से, इसको शराब वराब पी रहा है तो वहाँ पर इसको नहीं यूज करें, नहीं तो नुकसान करेगा। टू नेक्स्ट आई देखते हैं, बेस्ट प्राइस 18 रुपीज, 10 टैबलेट है 1 स्ट्रिप में। और उसके बाद आइए इसका यूज क्या है, यूजेज आर लेविडिक रिलीफ टैबलेट। लेविडिक रिलीफ टैबलेट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड सिम्टम्स, सिम्टम्स मीन्स होता है लक्षण। तो वो कह रहे हैं ये जो लेविडिक रिलीफ टैबलेट है आपका, आपका सामान जुकाम उकाम हुआ है तो उसके में बहुत ही अच्छा काम करता है लेविडिक रिलीफ टैबलेट साइड इफेक्ट। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है दोस्तों, उसको भी हम आपको बता देते हैं। तो साइड इफेक्ट ऑफ लेविडिक रिलीफ आर लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, इंडाइजेशन, एलर्जी रिएक्शन, स्लीपनेस, वर्टिगो, डिजीनेस, हेड एक, स्किन रैश इंक्रीज,
लीवर एंजाइम्स, तो ये सभी इसके साइड इफेक्ट है सर। तो इसको खाने से थोड़ा भूख में कमी आएगी, भूख कम लगेगा, पेचिस होने का हल्का का डर है, इंडाइजेशन में अपच हो सकता है, एलर्जी कुछ हो सकती है, स्लीपनेस हो सकता है, नींद कुछ कम आ सकती है, वर्टिगो को चक्कर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हल्का फुल्का हो सकता है कभी काल, खाने के बाद तुरंत दर्द नहीं होगा, वो तुरंत तो खींचेगा लेकिन बाद में हो सकता है। हाउ टू यूज लेप्टिक रिलेटेड, इस कैसे यूज करना है इसको, टेक दिस मेडिसिन इन द डोज एंड ड्यूरेशन एज एडवाइज बाई योर डॉक्टर, जैसा आपके डॉक्टर इसको कहें उसी के अनुसार इसको खाइएगा, और स्वालो इट एज ए होल, पूरा टेबलेट एक बार में आपको खा जाना है, निकल जाना है। डू नॉट च्यू, इसको चबाना नहीं है, क्रस इसको तोड़ना नहीं है, ब्रेक तोड़ना नहीं है। लेप्टिक रिलेटेड टेबलेट इज टू बी टेकन विथ फूड, इसको हम भोजन के साथ ले सकते हैं, खाना खाने के बाद इसको आप ले सकते हैं। दिस विल हेल्प टू अवॉइड स्टमक अपसेट, ये आपका स्टमक अपसेट है, पेट गड़बड़ तो उसको भी रोकेगा। हाउ लेप्टिक रिलीफ टैबलेट वर्क, आइए बताते हैं दोस्तों इस किस तरह से कार्य करता है। तो लेप्टिक रिलीफ टैबलेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री मेडिसिन, डाइक्लोफिनेक सोडियम पैरासीटामोल एंड क्लोरफिनामाइड मैलेट विच आर रेल्यू कॉमन कोल्ड सिम्टोम्स। डाइक्लोफिनेक सोडियम इज नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NSAID। इट वर्क बाई ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर दैट काज पेन एंड इन्फ्लामेशन रेडनेस एंड स्वेलिंग। तो दोस्तों ये जो डाइक्लोफिनेक सोडियम है आपके शरीर में जो दर्द उत्पन्न करने वाले सेक्रेशन होते रहते हैं हारमोन्स का, उसको ये क्या करता है, रोक देता है, और आपका सूजन भी कम हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा, एंड एंटीपायरेटिक फीवर रिड्यूस, और जो है आपका फीवर भी कम करेगा। विच आल्सो ब्लॉक द रिलीज ऑफ द सर्टेन केमिकल मैसेंजर इन द ब्रेन दैट काज पेन एंड फीवर, तो ब्रेन में से जो आपका मैसेंजर आता है, केमिकल निकलता है, उसको भी रोक देता है, जिससे आपको फीवर नहीं आएगा, सर दर्द कम हो जाएगा। और क्लोरफिनामाइन मैलेट इज एन एंटी एलर्जिक विच रिलीव एलर्जी सिम्टम्स लाइक रनिंग नोज, तो ये क्लोरफिनामाइन मैलेट जो होता है दोस्तों, ये जो है आपका जुकाम के लिए बहुत अच्छा काम करता है, अगर आपकी नाकें बह रही है और वाटरी आई आँख में पानी है, स्नीजिंग छींक आ रही है, इन सब में क्लोरफिनामाइन मैलेट बहुत ही अच्छा काम करेगा दोस्तों। तो इस तरह से ये भी दवा बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो लेप्टिक रिलीफ टेबलेट रिलेटेड वार्निंग कुछ है दोस्तों, आइए वार्निंग देख लेते हैं। कौशन, तो इट इज अनसेफ टू कंज्यूम अल्कोहल विथ लेप्टिक रिलीफ टेबलेट टेकिंग डाइक्लोफेनाक पैरास्टामोल एसिटामिनोफेन, तो ये दोस्तों ये जो एसिटामिनोफेन के टेबलेट है, इसको हम अल्कोहल के साथ इसको आपको नहीं लेना है, और क्लोरफिनामाइन मैलेट विथ अल्कोहल कैन काज लीवर डैमेज, अगर इसको दोस्तों शराब के साथ पी लेते हैं आपका लीवर ख़राब हो सकता है। और उसके बाद वेट रिस्क बेनिफिट, लेप्टिक रिलीफ टैबलेट इज अनसेफ टू यूज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, देयर इज ए पॉजिटिव एविडेंस, तो दोस्तों अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो वहाँ पर इसको नहीं लेना है, तो पॉजिटिव एविडेंस ऑफ द ह्यूमन फेटल रिस्क, बट द बेनिफिट फ्रॉम यूज इन प्रेगनेंट वुमेन में बी एक्सेप्टेबल डिस्पाइट द रिस्क फॉर एग्जाम्पल इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। ओके, लेप्टिक रिलीफ टैबलेट इज प्रोबेबली सेफ टू यूज ड्यूरिंग द लैक्टेशन लिमिटेशन ह्यूमन डेटा सजेशन सजेस्ट दैट द ड्रग्स डज नॉट प्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू द बॉडी सॉरी बेबी, लार्जर डोसेज आर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ लेप्टिक रिलीफ टैबलेट में काज स्लीपनेस एंड अदर इफेक्ट इन द बेबी। ओके, तो बच्चों में ज़्यादा इसको नहीं यूज करना चाहिए, उसमें नींद नहीं आएगी उसको खाएगा तो डू नॉट ड्राइव अनलेस यू आर फीलिंग वेल, अगर आप अच्छा महसूस करें तो इसको मत खाइए। लेप्टिक रिलीफ टैबलेट में काज, इसका क्या कारण हो सकता है, काज हेड एग, ब्लड विजन, टिजीनेस और ड्रोइनेस इन सम पेशेंट, दिस में अफेक्ट योर एबिलिटी टू ड्राइव, तो उसको अगर ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं तो सर दर्द बना रहेगा और आपकी आंखों की रोशनी थोड़ा धुंधली सी हो जाएगी, चक्कर आएगा, ये अगर ज़्यादा यूज करें तब ये ड्राइविंग करने के लिए। लेप्टिक रिलीफ टैबलेट इज प्रॉपरली सेफ टू यूज इन द पेशेंट विथ ए किडनी डिसीज, अगर किडनी से कोई पीड़ित है दोस्तों तो उसके लिए सेफ है, वो खा सकता है इसको। लिमिटेड डेटा अवेलेबल सजेस्ट दैट ड्रग एडजस्टमेंट ऑफ द लेप्टिक रिलीफ टैबलेट में नॉट बी नीडेड इन द दीज पेशेंट प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, अगर ऐसी बात है कोई गड़बड़ है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। यूज ऑफ लेप्टिक रिलीफ टैबलेट
में काज एक्सेसिव स्लीपनेस इन द पेशेंट विथ इंड स्टेज किडनी डिसीज। तो कह रहा है कि अगर इसका ज़्यादा यूज करेंगे तो नींद नहीं आएगी, पेशेंट विथ इंड स्टेज उसकी किडनी भी खराब हो सकती है ज़्यादा। द लैबिक रिलीफ टैबलेट इज शुड बी यूज विथ कॉशन इन पेशेंट विथ लीवर डिसीज डस्ट एडजस्टमेंट। तो दोस्तों बस आज के लिए जो लैबिक रिलीफ टैबलेट है उसकी पूरी मैं जानकारी दे दिया हूँ। हमारी वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हमें हिम्मत बढ़ेगी और हम अपना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालेंगे। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।